सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 55 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था 72 रुपीज पर। 72 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली जहां पर स्टॉक ने 57 रुपीज का एक बॉटम बनाया और यहाँ पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल लेकर स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया जहां पर स्टॉक ने ऊपर 68 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया। ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली और जो स्टॉक का पिछला बॉटम था 57 रुपीज का उस प्राइस को स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया और नया लो बनाया 50 रुपीज का। यहाँ पर अब इस स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। यही से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव बनते हुए नजर आए परंतु ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने 58 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करके एक करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जब तक स्टॉक 58 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर में क्लोजिंग नहीं लेता स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और 58 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक अच्छा डिमांड जोन भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे के अराउंड 50 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 72 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।